हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि हमारा जो बाथरूम है इसका जो फ्लश टैंक है हमेशा पानी इसमें गिरता रहता है। पानी जब फुल हो जाता है तो फुल होने के बाद अंदर पानी और जो पूरा फुल हो जाता है टंकी, ये टंकी फुल होने के बाद पूरा, उसके बाद से अंदर क्या होता है कि जब हम चले जाते हैं यहाँ से तो फिर आके देखते हैं तो जो हमारा ये टंकी है फुल होने के बाद पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आते रहता है, बंद नहीं होता है। इसके साथ अगर मोटर कनेक्ट होता है तो मोटर भी हमेशा चलता रहता है। जैसे यहाँ पे गिर रहा पानी ऐसे थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है, पानी इसके अंदर ऐसे गिरता है, ये बंद नहीं होता है। तो इसको ठीक करेंगे, ये कहाँ पे ख़राब होता है कैसे होता है। जैसे हमारा यहाँ पे हमने इसको पुश करके दबा दिया, पानी जा रहा है तो पानी जा रहा है, लेकिन जब छोड़ देंगे जब टंकी फुल हो जाएगा तो फिर गिरने लगेगा। तो आप चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फुल भर लेता हूँ, टंकी को आसानी से भर लेता हूँ, पहले पूरा फुल कर लेता हूँ, उसके बाद से फिर चेक करूँगा। अच्छी तरह मेरे यहाँ पे टंकी फुल हो जाता है, उसके बाद मैं चेक करूँगा। जब क्या था, कभी फुल हो जाता है ना, कभी कचरा की वजह से ही पानी गिरता है, कभी कचरा नहीं है तो हमारा ऑटोमेटिक काम नहीं करता है, फिर भी पानी गिरता है। तो जब ऑटोमेटिक काम नहीं करता है तो ये फुल हो जाता है टंकी। टंकी फुल होने के बाद जो हमारा ओवरफ्लो का पाइप लगा हुआ है उससे गिरता है। एक मिनट मैं फुल कर लेता हूँ, उसको बता दूँ। इसमें क्या है कि मैं थोड़ा पानी अच्छी तरह डाल लूँ, उसके बाद से फिर चेक करूँगा कि यह फुल ऑटोमेटिक बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ठीक है, फिर नीचे से कचरा फंसा हुआ है। अगर वो ऑटोमेटिक नहीं बंद होगा तो मतलब ऑटोमेटिक ख़राब है। जैसे हमारे यहाँ पे कचरा है तो मैंने निकाल दिया और मैंने साफ़ कर दिया अच्छी तरह से, और ये जो हमारा है इसको हम घुमा के भी निकाल सकते हैं, नीचे कचरा फंसा हुआ देख सकते हैं। और जो हमारा उधर पाइप है तो उसमें भर जाता पानी, और ये हमारा जो ऑटोमेटिक है ये हमारा कभी काम नहीं करता है तो फिर इसमें पानी फुल हो जाता है। जब फुल होता है तो फिर पानी यहाँ से गिरता है, यहाँ से छोटा वाला जो हमारा पाइप है यहाँ से गिरता है। तो हम इसको भी थोड़ा ऐसे हिला के चेक करेंगे और इस फ्लश को भी थोड़ा साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ से इसको हम साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं। ये नया है, इसको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी कभी ऐसे परेशान करता है। जब पुराना होता है तो साफ़ करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये नया है इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कहीं फंस गया होगा, इस वजह से ये पानी गिर रहा था, तो अभी मैंने इसको साफ़ कर दिया। साफ़ होने की वजह से ये भी सही चल रहा है। तो इसमें यही प्रॉब्लम होता है, अगर ऑटोमेटिक काम नहीं करता है तो फिर कचरा भर जाता है और उसके बाद से वो अपना काम करना बंद कर देता है, फिर ओवर फुल हो जाता है, फिर पानी ओवरफ्लो होकर गिरने लगता है। तो ऑटोमेटिक चेक करना है, और इसे कचरा फंसा हो तो हमारा ये गोल वाला इसको घुमा के खोल लेना है, खोलने के बाद इसको निकाल करके चेक कर लेना है। मैं फुल कर लेता हूँ, फुल करके फिर देखता हूँ। ये नया है इसीलिए इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कचरा हो जाता है इसके लिए वो फंस जाता है, फंसने के बाद यहाँ से पानी लीकेज करने लगता है। मैंने फुल कर लिया, इसको फ्लश करेंगे और चेक कर लेंगे। ये हमारा भी बंद हो गया है, अभी नहीं चाहिए, काम कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं, पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे रुक गया है, ऐसे पानी नहीं आएगा, ये भी सही हो गया है। यही ऑटोमेटिक ख़राब तो क्यों, कभी कचरा होता है इसे फंस जाता है तो ऊपर टंग जाता है तो पानी बंद नहीं होता है, इसमें रुका रहता है, नीचे फंस जाता है, नीचे रुका रहता है, पानी बंद नहीं होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा,